दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑन इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट जो कि 28 सितंबर 2020 को हुआ था। और अगर आपने जो है पिछली दो वीडियोज़ को नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जल्दी से जाकर के देख लो। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जो हमारा 5th सेक्शन है पजल्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे पजल सॉल्विंग जो टेस्ट है आपका, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और जो टोटल टाइम है वो 10 मिनट्स का है। तो जो हमारे जो 4 क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक सुडोकू को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कंसीडर फॉलोइंग रूल्स वाइल सब्स्टिट्यूटिंग नंबर्स इन द गिवन ग्रिड। और इसमें आपके जो यहाँ पर रूल्स हैं वो क्या है कि द नंबर्स सब्स्टिट्यूटेड इन ईच सेल ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम मस्ट बी यूनिक एंड शुड एड अप टू नंबर गिवन इन द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी आपके कॉलम्स हैं इनका जो है तीनों कॉलम्स का सम जो होगा कितना होगा, यहाँ पर 23 होगा। इस वाले कॉलम का पूरा सम कितना होगा, 24 होगा। फिर इस वाले का 3 होगा। और एक चीज़ बोला है कि जो भी नंबर्स आप यूज करोगे वो जो कॉलम है उसमें जो है यूनिक होना चाहिए। और जब आप रोज़ इस तरह से देखोगे तो सेकंड में वही है कि जब आप रोज़ देखोगे तो उसमें भी यूनिक होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर आप एक नंबर को यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम भी दूसरा है और रो भी दूसरा है। और जो रो वाले हैं जितने नंबर उन सबका सम कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ऐसे ही इस वाले रो का जितना भी जो भी नंबर्स उनका सम 15 होना चाहिए। लेकिन ये मेन चीज़ जो है वो क्या ध्यान देने वाली है कि आपके जो है नंबर्स यूनिक होने चाहिए रोज और कॉलम में। यानी कि अगर हम इस वाले रो की बात करते हैं जो हमारा ए है, इसको हम बोल सकते हैं कि 1 1 है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर अगर आप सपोज 1 यूज करते हैं तो आप इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में 1 यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर 1 यूज कर सकते हैं और यहाँ पर और इस वाले पोजीशन पर, ठीक है। और उसके बाद से आपको बोला है कि 1 से 9 तक 1 to 9 ओनली नंबर्स यू हैव टू यूज, ओके। तो ये जो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में पूछा है। तो गाइज आप जो वीडियो को पॉज करके इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पर रखा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 3 है और आपको क्या करना है कि ये जो कॉलम है इस दोनों का ऐड करके 3 आना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकता है। लेकिन 1 यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर 2 होगा, जो अपर वाला जो कॉलम है इसमें इस वाले पोजीशन पर 1 होगा या 2 होगा वो नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि लेकिन 1 या 2 होगा। और यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर 2 आपके दिए हैं, 2 ग्रिड दिए हैं, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। आपको यहाँ पर भी 2 नंबर पता हो जाएंगे कि मैक्स टू मैक्स कौन से नंबर हो सकते हैं, 8 और 9 हो सकते हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। आपने क्या किया यहाँ पर रख दिया 8 और 9, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 1 और 2। इनकी पोजीशन अभी चेंज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपके 4 कंडीशन बनेंगे और चारों कंडीशन को आप क्या करोगे यहाँ पर रखोगे। और जब आप एक एक कंडीशन रखोगे एक टाइम पर, आपको ये जो 4 ग्रिड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन चारों ग्रिड्स को आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पर क्या आ रहा है, ठीक है। एक पोजीशन में आपको आएगा कि यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में 6 नहीं मिलेगा, इसलिए हम आप वो वाला हमारा नहीं होगा, तो हमें नेक्स्ट वाले पर जाना पड़ेगा। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और मैं आपको एक इसका जो सोल्यूशन देता हूँ। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होगा और हमारा आंसर होगा 7, ठीक है। अब जो है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने कवर किया था और वहाँ पर मेरे को पूरा एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन नहीं याद था। तो अभी जो है मुझे ये क्वेश्चन कहीं से मिल गया है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा था कि जो है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस प्रिंटेड ऑन द आइटम, ओके। तो आप इस वाले सवाल को एक बार पढ़ सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने पिछली वीडियो में देखा है तो अप्रोच सेम है, ठीक है, अप्रोच सेम है। और बाकी जो है थोड़ा सा आपको ऐड करना है कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर 40% आपको इंक्रीज करके करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 350, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्पीड 1.5x में करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या दिया है कि एन आइटम इज सोल्ड एट एन सर्टेन प्राइस, द सेलिंग प्राइस प्रिंटेड ऑन दिस आइटम इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है उससे जो 40% इसका सेलिंग प्राइस है। बट यहाँ पर दिया है कि सिंस द कस्टमर हु परचेज द प्रोडक्ट वाज ए प्रीमियम कैटेगरी कस्टमर, ही गॉट 10% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिला है, और उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद भी शॉपकीपर को 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जो सेल उस आइटम पर जो प्रिंटेड था सेलिंग प्राइस वो क्या था, आपको यहाँ पर मैं सोल्यूशन देता हूँ। तो हमने क्या किया है कि हमने लेट यहाँ पर किया इस जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, और सेलिंग प्राइस कितना है कि 40% है मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या किया, 40% ऑफ एक्स किया और ये आ जाएगा 1.4x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, जो वो कस्टमर को दे रहा है, जो उसका प्रीमियम कस्टमर उसको कितना दे रहा है वो दे देगा, या तो आप जो है 10% डिस्काउंट दे रहा था यानी 0.9 हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं जो ये वाला 1.4x है और माइनस जो है 10% आप सेलिंग प्राइस कर देंगे, ठीक है, जो डिस्काउंट है, तो आपका आ जाएगा 1.26x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना है 65 रुपीज़ का, तो आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और वहाँ से आप निकालोगे वहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 250। लेकिन वो पूछा क्या है कि जो इनिशियल जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी, तो 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 350 रुपीज़। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि इन ए फैमिली ट्री बी इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द सन ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ डी, ई इज द हस्बैंड। आपको जो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, आपके बाद उसके बाद पूरे इनके रिलेशन क्या उनको देखना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन जो किया उसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया कि बी इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है, बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो क्या है सी या तो मदर हो सकती है फादर हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं कन्फर्म, लेकिन बी क्या है डॉटर है, ये पक्का है। फिर क्या है कि एफ इज सन ऑफ बी, एफ क्या है सन है बी की, ठीक है, ये हमने बना लिया। फिर क्या है ए इज मदर ऑफ डी, ये क्या है मदर है डी की, तो डी क्या हो सकती है या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा। उसके बाद ई इज हस्बैंड ऑफ बी, ई क्या है हस्बैंड है बी का, तो ये क्या हो जाएंगे, अब आप ये जो है कपल हो गए, और ये बी क्या है मदर है, ठीक है, क्योंकि सी की है डॉटर है, तो ये क्या हो जाएगी बी मदर हो जाएगी, और इसकी एफ की, ठीक है, और ये क्या है बी और ई जो है कपल हो गए। उसके बाद क्या है कि जे इज मदर ऑफ एच, जे क्या है एच की मदर है, बट ये नहीं दिया है कि एच क्या है सन है या फिर डॉटर है, तो आपको ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। और उसके बाद से क्या एच इज ग्रैंडसन ऑफ ए, यानी कि जब ग्रैंडसन बोल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता होगा कि एच क्या है वो जो है सन है, तो यहाँ पर हम डॉटर को हटा सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि ए एंड सी दिया है, ठीक है, ए एंड सी दिया है, और आपको पता है कि ए क्या क्या थे, ए जो है मदर है डी की, तो ये दोनों भी आप ये दोनों भी कपल हो गए। उसके बाद से क्या है कि जी इज ब्रदर ऑफ एच, जी जो है एफ एफ का ब्रदर है, तो जो इस यहाँ पर हमारे जो चार ऑप्शन है उनको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है बी इज सिस्टर ऑफ जे, तो यहाँ पर देखिए जो बी है वो जे की सिस्टर है। अब ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि जे और डी में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये जो है सिबलिंग्स हैं या फिर जो है कपल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा इनका रिलेशन, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि जो बी इज सिस्टर ऑफ जे, बट वी कैन कंसिडर, ठीक है, अगर आगे के ऑप्शन में कुछ नहीं मिलता है इससे बेटर तो हमें इसको ही टिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सी इज फादर ऑफ जी, सी क्या है फादर ऑफ जी, ये नहीं हो सकता, ये जो है सी क्या है ग्रैंडफादर है। ओके, ए इज वाइफ ऑफ सी, ये जो है सी की वाइफ है, ये तो हमें पक्का पता है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और डी वाला क्या है, डी इज फादर ऑफ आई, डी इज फादर ऑफ आई, तो वही सेम चीज़ की अभी हमें यानी इनके दोनों के जे और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, इसलिए हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि जो है डी फादर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी वाला, ए इज वाइफ ऑफ सी। ओके,
तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एट, जो क्वेश्चन मार्क का साइन है उस पर क्या होगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आप इसको अलग अलग मेथड से देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से किया है कि 6 का मल्टीप्लाई किया 4 में और 5 का मल्टीप्लाई किया 3 में, और दोनों को ऐड कर दिया है। फिर किस 5 का मल्टीप्लाई किया 4 में, नहीं डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया है और उनको ऐड कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 6 का, तो हो जाएगा 48, और 5 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 20, और आपका दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा आंसर 68, ठीक है। तो बस अभी के वीडियो में इतना ही। ये था पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ और क्वेश्चन मेरे को मिल जाए जो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अभी आपको वीडियोज मिल जाए। और वीडियोज देखो तो टाइम बचाने के लिए आप जो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।